CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन। आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम बंजारन। ये कार्यक्रम इन शब्दों पर आधारित है, उधार लेना, उधार चुकाना। आलेख विभा देवसरे का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। चलो दोस्तों, तुमसे बातचीत करने आ गई है बंजारन। तो लो बातचीत करो। बोलो। हाँ हाँ हाँ, शाबाश, ये हुई ना कोई बात। हाँ तो बच्चों, याद है ना तुम्हें कि कल मैंने शहर में क्या क्या खरीदा था? जरा याद करके बताओ ना। हाँ हाँ, याद करो। चूड़ियां खरीदी थी, बिल्कुल ठीक, पायल और रिबन भी तो, और अपने घाघरे का कपड़ा भी तो वहीं से खरीदा था। अरे बंजारन, पैसे जो कम पड़ गए थे ये भी तो बताओ दोस्तों को। हाँ हाँ, अरे बच्चों, जब मैं घाघरे का कपड़ा लेने दुकान पर पहुंची तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए। अब तो मैं पड़ गई चक्कर में कि अब मैं क्या करूं। तभी अचानक मुझे पोपट लाल दिखाई पड़ गए। मैं परेशान तो थी ही। मुझे परेशान देखकर पोपट लाल ने मुझसे कहा, अरे बंजारन, तुम क्यों परेशान हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए हैं। ये सुनकर वो बोले, अरे तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, तो मुझसे उधार ले लो। तो बच्चों, मुझे पोपट लाल ने कुछ रुपये उधार दिए, यानी मैंने जरूरत के समय पोपट लाल से कुछ रुपये ले लिए। अब जैसे ही मेरे पास रुपए आएंगे, मैं पोपट लाल के रुपए वापस कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं बंजारन, उधार बाद में चुका देना। तुम पहले ये बताओ कि तुमने घाघरे का कपड़ा खरीदा या नहीं। हाँ हाँ, वही तो बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, मैंने दुकानदार से जाकर घाघरे के लिए कपड़ा मांगा। उसने पूछा, कितना कपड़ा दूँ? मैंने कहा, अरे यही कोई 12 हाथ भर कपड़ा दे दो। ये सुनते ही दुकानदार बोला,
अरे ये हाथ वाथ क्या होता है? कपड़ा भला हाथ से नापा जाता है क्या? अरे मटर में बताओ, मटर में। बंजारन, मटर नहीं मीटर में। हाँ हाँ, भूल गई थी, मटर में नहीं मीटर में। तो बच्चों, मैं फिर पड़ गई चक्कर में कि ये मीटर वीटर क्या बला है। मैंने दुकानदार से ही पूछा, भैया ये मीटर क्या चीज होती है? इस पर दुकानदार ने एक लोहे की लंबी छड़ दिखाई। मैं तो भैया घबरा गई। वो बोला, अरे इसमें घबराने की क्या बात है, ये है एक मीटर की छड़, इसी से तो लंबाई नापते हैं। अब बोलो कितना कपड़ा नाप दूं? तुम तो फिर चक्कर में पड़ गई होगी कि घाघरे में कितने मीटर कपड़ा लगेगा। अरे वाह, लो मैं इतनी बुद्धू थोड़े ही हूँ। मैंने फटाफट उस लोहे की डंडी को अपने हाथ से नापा। 3 हाथ भर की थी वो लोहे की डंडी। बस मैंने हिसाब लगाया और कहा, अच्छा भाई 4 मीटर कपड़ा दे दो। दुकानदार ने मीटर की छड़ से नाप कर कपड़ा दे दिया। तो बंजारन, तुमको एक नई बात मालूम पड़ी कि लंबाई को मीटर से नापते हैं। हाँ, और मैंने तभी सोचा कि ये नई बात बच्चों को जरूर बताऊंगी, सो मैंने बता दी। हाँ तो बच्चों, कपड़ा, रस्सी, फीते की लंबाई, इन सबको मीटर में ही नापते हैं। अब बच्चों, घूमते घूमते मुझे बहुत देर हो गई, सो मुझे बहुत जोर की भूख लगने लगी। मैंने सोचा कि पहले कुछ खा लूं। सामने एक हलवाई की दुकान दिखाई पड़ी। तो बच्चों, पोपटलाल से जो रुपये उधार लिए थे ना, उनमें से कुछ रुपए बचे थे, सोचा कि इन रुपयों में से कुछ दूध ही पी लूं। मैंने हलवाई से कहा, एक लोटा भर के दूध दे दो भाई। वाह बंजारन, क्या दूध लोटे से नापा जाता है भला? लो तो भाई, मुझे क्या मालूम। तभी वो हलवाई कहने लगा, लोटा वोटा नहीं चलेगा, लीटर में बताओ, लीटर में। मैंने समझा मीटर में, तो मैं बोली, हैं, क्या दूध भी मीटर में नापोगे? कमाल है, फिर क्या हुआ? तब हलवाई बोला, अरे दूध मीटर में नहीं लीटर में नापते हैं। फिर हलवाई ने मुझे 2 बर्तन दिखाए, बोला, देख ये है लीटर, ये है 1/2 लीटर का नाप और ये है पूरा 1 लीटर का नाप, बोल कितना दूध नाप कर दूं? मैंने कहा, 1/2 लीटर दूध नाप दो। हलवाई ने 1/2 लीटर के बर्तन से दूध नाप कर दे दिया। उसे पीकर मेरी भूख मिटी। बच्चों, कहीं तुम भी मेरी तरह गलती ना कर बैठना। याद रखना कि दूध तेल जैसी पतली चीजों को लीटर से ही नापते हैं। अरे बंजारन, शहर से तो तुम बहुत नई नई बातें सीख कर आई हो। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं बाजार में जब आगे बढ़ी तो वहाँ एक आदमी गुड़ के सेव बेच रहा था। सोचा कि बच्चों के लिए लेती चलूं। उससे मैंने पूछा,
भाई गुड़ के सेव क्या भाव दे रहे हो? वो बोला 3 रुपए किलो। अब मैंने भाव तोल करना शुरू किया और मामला तय किया 2 रुपए किलो में। उसने सेव तोले तभी मुझे लगा तोल में कुछ कम है। भाई फिर तो तुम उससे झगड़ा कर बैठी होगी। हाँ मैंने उससे कहा जरा फिर से तोलना। तो ये सुनकर वो आदमी बोला अरे मैं क्या डंडी मार रहा हूँ जो तोल कम होगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उससे कहा ला मुझे दे अपनी तराजू। और उससे तराजू लेकर मैंने तोला तो सचमुच में गुड़ के सेव कम थे। अब मैं बोली डंडी मारता है बेईमानी करता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान। अब तुम ही बताओ बच्चों डंडी मारने वाले दुकानदार से मैं भला क्यों सामान लेती? क्यों बच्चों? ठीक है ना? लो पोपटलाल ये बच्चे तो कुछ बोलते ही नहीं। अरे बंजारन ये दोस्त आखिर क्या बोले? तुम इतनी देर से बस लीटर मीटर नाप तोल की बातें ही किया जा रही हो। कोई गाना वाना सुनाओ तो कुछ बात बने। हाँ हाँ क्यों नहीं अभी सुनाती हूँ। लंबाई को नापते हैं मीटर से भाई मीटर से, दूध तेल को नापते हैं लीटर से भाई लीटर से। अगर तोलना किसी चीज को तो लो उसे तराजू में, किलोग्राम का बाट रखो और रखो चीज को बाजू में। कभी न करना बेमानी तुम नाप तोल को करने में, डंडी मारे जो नालायक भला दूर ही रहने में। तो बच्चों देखा तुमने मैंने शहर जाकर कितनी नई नई बातें सीखी कि कपड़ा रस्सी जैसी चीजों की लंबाई को नापते हैं मीटर से, दूध तेल जैसी चीजों को नापते हैं लीटर से और आटा चावल सब्जी फल इन चीजों को तोलते हैं तराजू में किलोग्राम के बाट से। अच्छा बच्चों अब तो भाई मैं चलूं, तो एक बार जोर से बोलो नमस्ते। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।